हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया हो गाइस। और गाइस मैं बता दूं, आज 20 तारीख है और आज हमारे घर बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहमान आने वाले। मेहमान क्या, बुआ लोग आने वाले हैं, उनके लड़के, और देखते हैं कौन कौन आता है गाइस। और गाइस मैं बता दूं, उधर जो ये मेरा घर है, इसके बगल में एक और रूम है, एक और घर है जो कि मेरे बड़े पापा जी का है। तो वहाँ पे जो है अभी साफ़ सफाई हो रही है, क्योंकि जो मेहमान लोग आएंगे सबका खाना उधर ही बनेगा। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। और आज से भाई एकदम सब लोग आने लगेंगे। और मैं बता दूं, हम और जो है मोनी, वह शायद आज मऊ भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ सामान है जो आज लाना है। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या होता है। पहले मैं गाइस आपको ये दिखाता हूँ कि बगल वाले रूम में कौन कौन साफ़ कर रहा है। चलिए देखते हैं। ना और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सफाई हो रही है, सफाई अभियान चालू हो चुका है हमारे उमेश चाचा द्वारा। उधर पे बुलबुल है। लड्डू कौन आ रहा है जी? आज कौन आ रहा है? कौन कौन? और गाइस जैसे ही हम लोग मार्केट पहुंचे यानी अपने चट्टी पे, तब तक हम लोग को भाई ये देखिए बस भी मिल चुकी है। गाइस मैं बता दूं, मैं एक भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाया कि आपको बताऊं कि मैं मार्केट पहुंचा और बस मिली है। और गाइस हम लोग मॉल में आके इधर पे देखिए मोनी बस शॉपिंग कर रही हैं। हम लोग के रिश्तेदारी में कि एक भैया जो है आ गए थे, उन्हीं को कुछ सामान चाहिए था, तो इधर पे उन लोग का शॉपिंग हो रहा है। मैं इधर ब्लॉग बना रहा हूँ। उन लोग को ट्रॉली बैग लेना था, वही वो लोग ले रहे हैं। तो चलिए फटाफट लेते, उसके बाद गाइस चलते हैं पिज्ज़ा खाने के लिए। यहाँ पे गाइस हम और मोनी बाप पैदल चलते हुए टेम्पू खोज रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे कुछ मोनी बुआ का जो रूम पे सामान था वो हम लोगों ने नहीं लिया। इधर पे सिलेंडर वगैरह कुछ झोरे हैं, तो अब हम लोग जाने गाइस स्टेशन पे। और गाइस मैं कह दूँ, हमारी जो मोनी बुआ है उनकी बड़ी बानी मेरी मतलब तो सबसे बड़ी बुआ जो है वो भी आ चुके हैं स्टेशन पे, तो हम लोग जा रहे हैं उन लोग को लेने के लिए। और फाइनली गाइस इस समय हम लोग घर पहुँच चुके हैं। और गाइस मैं कह दूँ, बुआ हुआ सब लोग आ चुके हैं हम ही लोग के साथ हैं। बट क्या हुआ कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे बोलने में ही शर्म आ रही थी उन लोग के सामने, क्या बोलूँ क्या करूँ। तो मैं उन लोग से आप लोगों से सुबह मिलाता हूँ। और गाइस तो अभी मैं आ चुका हूँ। ये देखिए सुमित जो है जा रहा है सामान के लिए। इतना लेट जा रहा है क्योंकि मैं नहीं था, और आते आते मुझको 6 बज चुका है। तो ये जा रहा है सामान के लिए, मैं बैठा हूँ दुकान में। और गाइस मैंने दुकान वगैरह तो बंद कर दिया। और गाइस मैं बताऊँ, ऊपर जो है पापा अभी अंडा बना रहे हैं, और मम्मी मैं बता दूँ गाइस नीचे जो है ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, तो इसकी वजह से जो है वो हम लोग के लिए रजाई निकाल रही हैं। रजाई तो एक निकला था, बट वो क्या तीन लोग एक में एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, इसकी वजह से एक और रजाई निकल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं।
नीचे है का एकदम, पकड़ दे। और गाइस फाइनली अपना जो है डिनर हो चुका है। और गाइस मैं बता दूँ, मेरा बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है क्योंकि आप जानते ही हैं जैसे हम लोग कहीं जाते हैं उसके बाद आते हैं तो सिर दुखने लगा, क्योंकि भाई इतना हॉर्न से इतना शोरगुल की वजह से इसी के कारण से जो हम लोग इसी वजह से मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो गाइस मैं बता दूँ, हम लोगों ने खाना तो हो चुका है और मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि आज बहुत ही लेट हो गया। पापा जो है खाना बहुत ही लेट से आज बनाए, पापा नहीं बनाते मतलब अंडा मछली या मुर्गा बनता है तो पापा ही बनाते हैं, उसकी वजह से आज लेट हो गया। तो चलिए फटाफट भाई सो जाते हैं। और सोना क्या, अभी तो पहले वीडियो की एडिटिंग करनी है गाइस, उसके बाद अपने को सोना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को एडिट करते हैं, उसके बाद फटाफट सोते हैं।